वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 8th of October। मैंने सुबह से ब्लॉगिंग नहीं करी थी, मैं कॉलेज गई, कॉलेज से आई, खाई, सोई, बिग बॉस भी देखा मैंने क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। और अभी फिलहाल मैं आपको वेदर दिखाना चाहती हूँ वडोदरा में। इतना अच्छा है ना, मतलब मुझे ब्लैक क्लाउड काफ़ी अट्रैक्ट करता है। मतलब मेरे साथ ऐसा ना कि मैं कितनी सैड रहूँ, कुछ भी रहूँ, पर अगर ब्लैक क्लाउड से काले बादल आ जाते हैं, मौसम ऐसे ठंडा ठंडा सा हो जाता है, ऐसे मतलब ऐसे मौसम को देख के ना मेरी हर टेंशन दूर हो जाती है, सैडनेस दूर हो जाती है। ऐसे मौसम को देख के, डांस करके, म्यूजिक सुन के, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मेरा मन बहुत ठीक हो जाता है। चाहे कितना ही खराब हो, कितना ही वो सिचुएशन आसपास चल रही हो, बट मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। और फिलहाल अभी दोपहर में अंधेरे जैसा हो गया। रुको मैं आपको भी दिखाऊँ, ठीक है? तो मैंने फोन की ब्राइटनेस बढ़ा रखी है, बट मैं इसको थोड़ा कम कर रही हूँ। ये देखो फिलहाल ऐसा हो रखा है, और हवा इतनी मस्त चल रही है ना, और बारिश भी हो रही है यार। बारिश की बूंदें इसमें आ नहीं रही, तो बारिश भी हो रही है बहुत अच्छी वाली, बहुत तेज वाली हो रही है बारिश यार। अभी मेरे चेहरे पे इतनी लाइटिंग इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने मेरे फोन का ब्राइटनेस बढ़ा दिया है, अदरवाइज बहुत ज्यादा ऐसा। ये देखो ना यार, बारिश दिख रही है क्या आप लोगों को? बहुत तेज हो रही है, इसमें पता नहीं क्यों आवाज नहीं आ रही। अब वो नीचे देख रहे हो, बारिश हो रही है, मौसम काफी अच्छा है जो कि मुझे पसंद है। और अभी फिलहाल मैंने सब कुछ कर लिया, बस मुझे पढ़ना बाकी है, परसों टेस्ट है और पढ़ना बाकी है। अभी पढ़ाई करूंगी, इस मौसम को थोड़ा एंजॉय कर लूँगी, उसका पढ़ाई करूँगी। हो गया है यार, और अभी मैं उन सीढ़ों पे बैठी हुई थी, पर वहाँ से भाग के आना पड़ा। पूरा पानी यहाँ तक आ रहा है एकदम, मतलब उन सीढ़ों तक आ रहा है पानी, बारिश का पूरा फ्लो इस तरफ ही आ रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत एकदम। और मेरे सामने वाली जो रूममेट है हेली, हम दोनों बारिश में नहाने जा रहे हैं। बाय, अब मैं नहा लूंगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ठीक गाइस, मैं नहा के आ गई बारिश में। मैंने सोचा था मैं ब्लॉग करूंगी, बट जो मेरी पीजी मेट है, मतलब जो सामने रहती है, उसको वो थोड़ी कंफर्टेबल नहीं थी कि ब्लॉगिंग मत करना ये वो, तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं किया। और अभी मैं जा रही हूँ पढ़ने, और मैं कम से कम 1-2 घंटा पढ़ूंगी क्योंकि मैंने MIS जो मेरा चैप्टर, मतलब जो मेरा सब्जेक्ट है, उसका मैंने कुछ नहीं पढ़ा है अब तक। आज 8 तारीख है, मैंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है। अब मैं पूरा उसको ख़त्म करके उसके बाद निकलूँगी, तो मिलते हैं पढ़ने के बाद। उसके बाद मैं डिनर करूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। यही मेरी डेली की लाइफ है। और अब मैं डेली ब्लॉगिंग इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं पढ़ूँ भी, रूटीन में रहूँ, हर चीज़ सही हो। तो गाइस, मैंने पढ़ाई कर ली, ज़्यादा नहीं करा, शायद 1 या 1.5 घंटा पढ़ाई की होगी मैंने। उसके बाद कविता यहाँ पे साफ अप कर रही थी, मैंने वीडियो कॉल करी अपनी खुशी जो मेरी बहन है उससे एंड ऑल। और अभी फ़िलहाल खाना लेके आई मैं, और आज के डिनर में है ये चीज़ें, खिचड़ी, कढ़ी, बैंगन की सब्जी एंड रोटी। बैंगन की सब्जी में बैंगन नहीं दिख रहा है, मटर दिख रहा है, बट सबने बोला कि वो बैंगन की सब्जी है, तो मैंने भी बोला वो बैंगन की सब्जी। तो यार दिस इज़ द होल डे, आज का दिन ऐसा ही था।
देखते हैं कल का दिन कैसा होता है। वैसे कल संडे, अंकल ने बोला सफाई होगी इस रूम की, दिवाली आ रही है इसलिए इस रूम की सफाई होगी, पूरे पीजी की सफाई होगी, तो देखते हैं कल का दिन कैसा होता है। और अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, बिना सब्सक्राइब किए मत देखना और पूरा वीडियो देखा करो यार। मेरे जो वॉच टाइम का आ रहा है ना उसमें ऐसा है कि एवरेज लोग ऐसे जो वीडियो ऐसे भगा भगा के देखते हैं वो मत क्या करो, पूरा वीडियो देखा करो प्लीज़। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में।